वेलकम बैक एडिटर्स, आ चुका हूँ एक और नया शानदार स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों, आज खड़े में हम एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, गाने के लोपे एस्थेंटिक बीट सिंग पर रेनड्रॉप लिरिक्स प्लस बीट सिंग स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखें। और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर इनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो उसके लिए एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको प्रीव्यू वाला स्टेटस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये स्टेटस बनने के लिए जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट लगेगा, से केपेक प्रीसेट लिंक लगेगी या जो भी मटेरियल्स लगने वाले हैं, वो सभी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वेबसाइट की लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करने पर आपके सामने एक पोस्ट ओपन हो जाएगी। उस पोस्ट में आपको सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट, सिकीपैक प्रीसेट और ऑल मटेरियल्स मिल जाएंगे। आप सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट और सिकीपैक प्रीसेट को अलाइड मोशन एप्लीकेशन में इम्पोर्ट करके रखिए और ऑल मटेरियल्स को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको इम्पोर्ट किए हुए सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा। इसमें हमारा, जैसे कि मैंने आपको प्रीव्यू में कहा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा वाला लोफी एस्थेटिक गाना है और जहाँ पर भी बीट चेंज होते हैं वहाँ पर हमने ऑलरेडी बीट मार्क ऐड कर दिए हैं। दोस्तों, 0 सेकंड से लेकर 6.37 सेकंड तक हम लिरिक्स ऐड करने वाले हैं। उसके बाद 6.37 से लेकर एंड तक हमारे 25 बीट्स है। उन 25 बीट्स में हम 25 इमेजेस ऐड करके उन पर इफेक्ट्स ऐड करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, इमेज एंड में जाना है, व्यू ऑल में जाकर मैंने जो आपको ऑल मटेरियल्स में ए रेनड्रॉप वाला लिरिक्स वाला वीडियो प्रोवाइड किया है, सिर्फ आपको इस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना है हमारे ऑल मटेरियल्स से। वीडियो को डाउनलोड करने के बाद सिंपली से आपको इसको ऐड कर लेना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, आपको खुद से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इसका ट्यूटोरियल तो मुझे कमेंट में पता है, मैं इसका ट्यूटोरियल लाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, 6.37 सेकंड पर आना है और उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट होगा, आगे वाला उसको ट्रिम कट कर दीजिए। कट करने का दोस्तों आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इसका ऑडियो है उसको भी म्यूट कर दीजिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा यहाँ पर लिरिक्स ऐड हो चुके हैं। लिरिक्स ऐड होने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, फोटोज ऐड करेंगे 6.37 सेकंड से आगे। दोस्तों, 6.37 सेकंड पर आकर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, इमेज एंड में जाना है, ऑल में जाकर जिन भी इमेज पर आपको वाला स्टेटस वीडियो क्रिएट करना है उन इमेजेस को वन बाय वन ऐड कर दीजिए। दोस्तों, आज खड़े में हम अनुश्री माने की इमेजेस यूज़ करने वाले हैं। अगर आपको ये इमेजेस चाहिए HD क्वालिटी में तो इनको मैं ऑल मटेरियल्स में दे दूंगा जिप फाइल के द्वारा। सिर्फ आपको जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है, सभी इमेजेस आपके एक क्लिक पे अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको अपने मोबाइल से 4K फुल HD इमेजेस क्रिएट करने हैं तो इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बन रखा है, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप अपने मोबाइल से 4K फुल HD इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों सिंपली से आपको इमेज एंड वीडियो में जाना है, फोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो फोटो सेलेक्ट करने के बाद प्लस वाला आइकॉन पर क्लिक करके फोटो को ऐड कर लीजिए। फोटो ऐड होने के बाद राइट साइड वाले 3 डॉट पर क्लिक करके से फुल स्क्रीन पर इनेबल करके फुल स्क्रीन कर दीजिए। नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर जाकर इमेज का आगे वाला एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दीजिए। दोस्तों, मैं सभी के सभी इमेजेस ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस समझा देता हूँ, तब तक के वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने सॉन्ग के एंड तक सभी इमेजेस को वन बाय वन ऐड कर दिया है। आपको भी कुछ इस तरह से सभी इमेजेस को ऐड करना होगा। कुल 25 इमेजेस हमने ऐड कर दिए हैं। दोस्तों, इमेजेस ऐड करने के बाद अब हमें इन इमेजेस में इफेक्ट्स लगा देना है। इफेक्ट्स लगाने के लिए आपको सिकीपैक प्रीसेट को ओपन कर लेना है और जो हमारी पहली इमेज है, दो इमेज आपको मिल जाएंगे देखने को, दोनों भी इमेजेस में हमने अलग अलग इफेक्ट्स ऐड किए हुए। दोस्तों, सबसे पहले वाली इमेज पर आपको क्लिक कर देना है, इफेक्ट्स में जाकर 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर लीजिए। इन इफेक्ट्स को कॉपी पेस्ट करने के बाद हमारे सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और दोस्तों, पहला जो हमारा फोटो है स्टार्टिंग वाला 6.37 सेकंड वाला, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इफेक्ट्स में जाकर 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। पहले फोटो पर पहला इफेक्ट पेस्ट कर देने के बाद एक इमेज को छोड़ देना है और उसके अगले वाले यानी कि हमारे तीसरे इमेज पर वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। फिर से एक बार एक इमेज को छोड़ के उसके अगले वाले इमेज पर आपको ये वाला इफेक्ट
पेस्ट कर देना है इस तरह से दोस्तों। अल्टरनेटिवली एक इमेज पर ए वाला पहला इफेक्ट पेस्ट कर देने के बाद उसके अगली वाली इमेज को छोड़ देना है, फिर से एक बार एक इमेज पर लगा देने के बाद एक और इमेज को छोड़ देना है इस तरह से दोस्तों। अल्टरनेटिवली आपको हमारे 25 में से 13 इमेजेस को पहला इफेक्ट आपको पेस्ट कर देना होगा वन बाय वन करके एंड तक। दोस्तों पहला इफेक्ट पेस्ट कर देने के बाद आपको सेकंड इफेक्ट प्रीसेट को ओपन कर लेना है और दूसरे फोटो के इमेज को कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। कॉपी इफेक्ट्स करने के बाद सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और दोस्तों जो बची हुई हमारी दूसरी चौथी छठी इस तरह से इवन नंबर वाली इमेजेस होंगी दोस्तों, अल्टरनेटिव हमने इफेक्ट ऐड किया था दोस्तों, उन बची हुई इमेजेस पर आपको ये वाला दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना है। कुल 12 इमेजेस पर आपको ये वाला दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना होगा दोस्तों। दूसरा इफेक्ट पेस्ट होने के बाद हमारे यहाँ पर पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा। सिर्फ हमें एक लो पार्टिकल इफेक्ट ऐड करना है, इसके लिए आपको 6.37 सेकंड पर आना है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके इमेज एंड्रॉइड में जाना है और मैंने जो आपको वो लो पार्टिकल इफेक्ट प्रोवाइड किया है दोस्तों ये वाला, इसको आपको ऐड कर लेना है, आपको ऑल मेटल्स में मिल जाएगा। इसको ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफर में जाकर दो नंबर वाले रोटेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको -90 या +90 डिग्री में रोटेट कर दीजिए। राइट साइड वाले तीन डॉट पर क्लिक करके इसे फिर स्क्रीन पर इनेबल कर दीजिए और जहाँ पर हमारा स्टेटस एंड होता है 24.01 सेकंड पर उसका एक्स्ट्रा पार्ट है आगे वाला, उसको कट कर दीजिए दोस्तों। एक करने के बाद आपको ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में जाकर लाइट एंड मेसेज स्क्रीन पर इनेबल कर देना है दोस्तों। अब हमारा पूरा स्टेटस यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है दोस्तों। इससे पहले आप वीडियो एक्सपोर्ट करने से पहले आप अपना लोगो लगा दीजिए अगर आपको लगाना है तो। अब हमें वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको राइट साइड में सेटिंग के बगल में शेयर आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। वीडियो में जाना, वीडियो का एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन 1080 पिक्सल सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आपके मोबाइल में सपोर्ट नहीं करेगा दोस्तों, आप 720 पिक्सल में वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों में भी नहीं होगा दोस्तों, आप लेटेस्ट वाला अलाइड मोशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल इनेबल कर दीजिए दोस्तों। मिलता हूँ एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।